पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए मंत्री गोविंद सिंह राजपूत पर निशाना साधा और कहा कि हम इनकी दादागिरी बर्दाश्त नहीं करेंगे। कांग्रेस ने इनको क्या नहीं दिया और इन्होंने कांग्रेस के साथ धोखा किया है। उधर मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह बुजुर्ग नेता हैं, वे 60 साल के ऊपर हो चुके हैं, सठिया गए हैं, उनका बुरा नहीं मानना चाहिए बल्कि कांग्रेस को उनको आगे लाकर उपचुनाव लड़ना चाहिए ताकि जनता को दिग्गी कार्यकाल की सड़क और बिजली याद आ जाए। सागर पहुंचे कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने पूर्व कांग्रेस नेता और मंत्री गोविंद सिंह राजपूत को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सागर में जो राजनीति हो रही है उसे हमारी पार्टी कभी बर्दाश्त नहीं करेगी और उपचुनाव में बागियों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हमारी पार्टी ने क्या कुछ नहीं किया गोविंद सिंह राजपूत के परिवार के लिए, लेकिन गोविंद सिंह ने उस सम्मान के बदले कांग्रेस के साथ धोखा किया है। दिग्विजय ने कहा कि जिस तरह से कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ दादागिरी की जा रही है, उन्हें फंसाया जा रहा है, कांग्रेस पार्टी उसे बर्दाश्त नहीं करेगी, सरकार चाहे किसी की भी हो। कांग्रेस ने उनको क्या नहीं दिया? पिछले 25 साल से गुलाब सिंह जी से लेकर आज तक अध्यक्ष उन्हीं का बनता है, युवक कांग्रेस उनका बनता है, सारी कांग्रेस उनकी बनती है। ये सम्मान के साथ उन्होंने धोखा किया है और मैं उनको चेतावनी देना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को परेशान कर रहे हैं, कांग्रेस के लोग हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक समय सबका एक जैसा नहीं होता है। जिस प्रकार से दिलीप पटेल को झूठा फंसाया गया, जी सर, जिस प्रकार से इसको झूठा फंसाया गया, हम इसकी निंदा करते हैं और पूरे समाज को उन्होंने धोखा दिया। जी हाँ, मैं इनको बता देना चाहता हूँ, हीरा सिंह जी को और गोविंद सिंह जी को, कि अपनी जो भी दादागिरी है अपने तक सीमित रखें। हम लोग हर कदम पर मुकाबला करना जानते हैं और ये दादागिरी नहीं चलने देंगे, चाहे सरकार किसी की हो। रणनीति क्या है सुगर की में? रणनीति है दबंगाई से चुनाव लड़ेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के आरोपों के बाद गोविंद सिंह राजपूत ने दिग्विजय सिंह पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह की उम्र 73-74 साल हो गई है और बुंदेलखंडी में इसे सठियाना बोलते हैं। दिग्विजय सिंह बुजुर्ग नेता है, उनकी बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए। राजपूत ने कांग्रेस पार्टी को सलाह देते हुए कहा कि कांग्रेस को दिग्विजय सिंह को आगे लाकर उपचुनाव लड़ना चाहिए, इससे जनता को दिग्गी कार्यकाल में सड़क पानी बिजली की कैसे हालात थे ये याद आ जाएगा। राजपूत ने कहा कि जनता का यही नारा रहेगा कि जब तक है दिग्गी जलती रहेगी डिब्बी। राजपूत चुटकी लेते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह कांग्रेस के बुजुर्ग और बहुत लोकप्रिय नेता है, उनको ही चुनाव में कांग्रेस पार्टी का उपयोग करना चाहिए ताकि जनता को उनके कार्यकाल की वापस याद आ सके। उपचुनाव को लेकर गोविंद सिंह ने कहा कि जनता उनके साथ है, उनका यहाँ जनता से राजनीतिक नहीं बल्कि घर का रिश्ता है। बुंदेलखंड में जिस व्यक्ति की उम्र ज्यादा हो जाती है, बुजुर्ग हो जाते हैं, तो हम लोग कहते हैं वो सटे आ गए। तो दिग्विजय सिंह जी की उम्र भी मैं समझता हूँ 73-74 साल हो गई है, तो बुजुर्गों की कोई कई बात को हम लोग बुरा नहीं मानते। वैसे भी हमारा कांग्रेस पार्टी से हमारा सुझाव है कि दिग्विजय सिंह जी को ही इन चुनाव में, आने वाले चुनाव में स्टार प्रचारक बना दें और दिग्विजय सिंह जी को ही चेहरा बना दें, ताकि लोगों को दिग्विजय सिंह जी के पुराने कार्यकाल की वो बिजली की समस्या याद आ जाए। लोग कहते थे जब तक रहेगा दिग्गी जलती रहेगी डिब्बी, लोगों को भी दिग्विजय सिंह जी कार्यकाल की सड़कें याद आ जाएं कि भोपाल जाने पहले लगते थे 7 घंटे, अब लगते हैं 3 घंटे, तो उनके कार्यकाल के किए गए काम भी याद आ जाएं। और मैं समझता हूँ बहुत कांग्रेस के लोकप्रिय नेता हैं, लोकप्रिय बुजुर्ग नेता हैं, तो उनका उपयोग कांग्रेस पार्टी को करना चाहिए। सर, चूंकि लॉकडाउन अनलॉकडाउन की शुरुआत हो गई है, धीरे धीरे लॉकडाउन खत्म हो रहा है, सुर्खी में चुनाव भी, क्या कुछ तैयारियां हैं आपकी? देखिए, अभी चुनाव की कोई चुनाव आयोग ने घोषणा नहीं की और मैं समझता हूँ कि अभी चुनाव कब होंगे ये भी स्थिति स्पष्ट नहीं है, क्योंकि कोरोना की स्थिति में सभाएँ होंगी नहीं होंगी, चुनाव का स्वरूप क्या होगा, अभी तो राज्यसभा के चुनाव भी डिक्लेयर नहीं हुए, तो बहुत ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन जब भी होंगे चुनाव पूरी जनता के साथ में, पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार लड़ेगी
और भारतीय जनता पार्टी की पार्टी के कार्यकर्ता बहुत ही मेहनतीशील हैं और हमारे सुर्खी के हमारे व्यक्तिगत जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो लाखों की तादाद में हमारे साथ हैं, हम उनके साथ हैं। सुर्खी के साथ हमारा 25 साल का घर हुआ है, घर का नाता है, राजनीति का नाता नहीं है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।